दोस्तों मेरा नाम ऋषि वर्मा और मैं फिफ्थ जनरेशन ज्वेलर हूं आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्कॉन के बारे में जिसको हिंदी में जर्कन भी बोला जाता है गायज ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है व्हाइट कलर का क्रिस्टल है ये और मैं आपको बताता हूँ ये ब्लू कलर में ग्रीन कलर में येलो कलर में रेड कलर में भी आता है इसको कंफ्यूज मत कीजिए क्यूबिक जरकॉन के साथ क्योंकि क्यूबिक जरकॉन जो होता है वो लैब मेड होता है वो लैब में बनाया जाता है अमेरिकन डायमंड भी बोला जाता है स्टोन को बट बेसिकली जो ज़रकॉन होता है वो अर्थ के अंदर से निकलता है और जो सीजी होता है जो क्यूबिक जरकॉन होता है वो ज्वेलरी के अंदर यूज़ होता है बहुत सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर गोल्ड ज्वेलरी के अंदर भी जोकॉन यूज़ होता है क्यूबिक जोकॉन यूज़ होता है जो लैब मेड होता है सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज मैं आज की वीडियो में आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में इसकी इंट्रोडक्शन इसके प्राइस के बारे में इसके ऑरिजिन के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको कहाँ यूज़ करा जाता है कैसे यूज़ करा जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ सो वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको ये सारे पॉइंट समझने और आप इन सब पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हैं सो गाइज ये वीनस का स्टोन है शुक्र का स्टोन है तो अगर आपकी राशि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से टोरस है तो आप इसको पहन सकते हैं और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप वर्गो कैप्रिकॉन एक्वेरियन है तो आप इसको पहन सकते हैं हाउएवर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की रिकमेंडेशन के बिना कोई भी स्टोन मत पहनिए चाहे वो सेमी प्रेशर स्टोन हो या वो प्रेशर स्टोन हो बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टोन्स के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं सो so गाइज अगर मैं बात करता हूँ जर्कॉन की तो जर्कॉन और डायमंड दोनों सिमिलर दिखते हैं अगर मैं हाथ में उसको रखूंगा एक जगह जर्कॉन को एक जगह डायमंड को और किसी भी लेमैन को पूछूंगा कि कौन सा डायमंड है और कौन सा जरकॉन है तो वो नहीं बता पाएंगे सो बेसिकली अब डायमंड जिनको बोला जाता है पहनने के लिए वो लोग ज़रकॉन भी पहन सकते हैं हाउ दोनों में बहुत डिफरेंस है प्राइस का भी और इनकी क्वालिटीज़ का भी बेसिकली मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आपको बॉडी ऑर्डर आ रहा है आपके अंदर से स्मेल आ रही है और आपको बहुत ब्यूटीफुल परफ्यूम जिसे मैं परफ्यूमर भी हूँ सो बेसिकली अगर आप कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते हैं सो so आपको बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन होती है आप वाह फील करते हैं और आपको पार्टी में लोग भी आएंगे जो पूछेंगे आपसे कि आपने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है हाउएवर अगर उस बॉडी ऑर्डर को मिटाने के लिए आप कोई बहुत ही बिल्कुल सस्ता सा बेसिक बेकार परफ्यूम लगा लेते हैं तब भी आपका बॉडी ऑर्डर तो खत्म हो जाएगा पर आपको वो मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी उसकी फ्रेगरेंस से उसकी कैपेबिलिटी से और ना ही आपके पास कोई पूछने आएगा कि आपने क्या लगा रखा है हाउएवर आपका वो बॉडी ऑर्डर गायब हो जाएगा सो सिमिलरली डायमंड और uh, जरकॉन में ये फ़र्क है कि जो डायमंड आपको एक्चुअल बेनिफिट दे सकता था वो बेनिफिट जरकॉन नहीं दे पाएगा हाउएवर थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता जुलता आपको वो दे देगा सो so, प्लीज़ अगर आपको डायमंड कहा गया है तो आप कंसल्ट कीजिए एस्ट्रोलॉजर से कि मैं जरकॉन पहन सकता हूँ या नहीं पहन सकता हाउ एवर आईव सीन इन माई पास्ट एक्सपीरियंस कि कहीं ऐसे लोग भी होते हैं जिनको डायमंड सूट नहीं करता पर उनको वो क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं तो वो जरकॉन पहन लेते हैं और ज़रकॉन उनको सूट कर जाता है ज्वेलरी के अंदर बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स ऐसे हैं जो ज्वेलरी के अंदर क्यूबिक जरकॉन लगा के देते हैं तो डू नॉट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ विज जरकॉन बिकॉज ज़रकॉन जो है वो नेचुरल है अंडर दी अर्थ निकलता है और क्यूबिक जरकॉन जो है वो लैब मेड है लैब में बनता है सो so, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसका बेनिफिट है कि ये आकर्षण की शक्ति को बढ़ाता है अगर आप डायमंड की बात करते हैं इट्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव जो डायमंड देखते हैं या फिर आप जरकॉन देखते हैं तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है देखने में सो so, सिमिलरली उसकी प्रॉपर्टी भी यही है इनकेस आप अट्रैक्शन uh, पाना चाहते हैं तो आप ये स्टोन पहन सकते हैं या स्टोन को यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से एंड यू विल बिकम मोर अट्रैक्टिव एज पर दी गाइडेंस ऑफ दी मास्टर्स की उन्होंने ये बोला है वैदिक टेक्स्ट के अंदर कि जरकॉन का ये बेनिफिट होता है बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए भी ये यूज़ होता है हाउ एवर एम नॉट द राइट पर्सन बताने के लिए कि किस बीमारी के लिए या किस चीज़ के लिए इसको पहना जाए कंसल्ट योर एस्ट्रोलॉजर क्योंकि वीनस का स्टोन है वीनस आपके लाइफ के अंदर बहुत सारा बेनिफिट uh, लेके आती है इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ फेम इन टर्म्स ऑफ पैशन बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इंप्रूव करती हैं ये so सो आप इस स्टोन को पहन सकते हैं इन केस आपको ये सारी चीज़ें चाहिए हाउ एवर आई रिक्वेस्ट यू कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोल से कंसल्ट करके ही पहने गाय जस्ट इनकेस आपके पास कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है और आपको वीडियो देखने के बाद इंटरेस्ट आया है कि मैं किसी से पूछूँ इसके बारे में तो आप अपना नंबर कमेंट के अंदर दे दीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए एंड आई विल कनेक्ट यू विद समवन रियली गुड सो गाइस अगर मैं ओरिजिनल स्टोन के प्राइस की बात करता हूँ सो so इसका प्राइस, प्राइस पेंडिंग ऑन कितना बड़ा साइज़ है कितना छोटा साइज़ है कैसी क्वालिटी है उसकी सो so आप इस प्राइस रेंज के अंदर किसी भी ज्वेलर पर जाकर ऑरिजिनल स्टोन मांग सकते हैं अगर वो महंगा स्टोन है तो डेफिनेटली उसके साथ सर्टिफिकेट अटैचड है तभी वो महंगा आपको दे रहे हैं बिकॉज सर्टिफिकेशन की वैल्यू भी थाउजेंड टू थाउजेंड रुपीज़ था। आ था। जाती है सो इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू बी श्योर कि आप स्टोन पहन रहे हैं और एक्चुअली नेचुरल ज़रकॉन है तो आप उसके साथ सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा अदरवाइज़ हो सकता है आपको वो कोई गलत चीज़ दे दे या क्यूबिक ज़रकॉन दे दे या फिर क्लास दे दे सो मेक श्योर यू बाय एनी स्टोन विद दिस सर्टिफिकेट अगर मैं औरजन की बात करता हूँ तो पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये निकलता है हाउ साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एंड श्रीलंका के अंदर इसकी माइनिंग होती है श्रीलंका इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे स्टोनस ही निकलते हैं एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के स्टोन निकलते हैं सो so, जरकॉन भी जो बेस्ट निकलता है वो श्रीलंका से ही निकलता है गाइज मैंने आपको जैसे लास्ट टॉपिक के अंदर प्राइस की बात करी थी सो so, प्राइस अगर एक्सपेंसिव होगा तो वो सर्टिफिकेट के साथ ही होगा अगर आप सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं तो प्राइस इज़ वेरी वेरी चीप सो ऑलमोस्ट अबाउट दो तीन सौ पाँच सौ रुपये के अंदर आपको ये स्टोन मिल जाएगा सो so, गायज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप पूछेंगे कौन सी लैब से सर्टिफाई कराएं इसको मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी वो टेस्ट जो आपको बताते हैं सारे यूट्यूब के ऊपर उन टेस्ट को मत कीजिए बिकॉज बहुत ही सस्ता स्टोन है और उन टेस्ट को करने से कोई पर्पज़ नहीं सॉल्व रहेगा अपनी सेटिसफैक्शन के लिए अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप किसी भी नॉर्मल लैब से इसको सर्टिफाई करा सकते हैं जो कि जयपुर में दिल्ली में आपको मिलेगी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लैब्स हैं या फिर जी जे ई पी सर्टिफाइड लैब्स हैं वहाँ से आप इसको सर्टिफाई करा सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द वीडियो कि अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है सो काइंडली क्लिक ऑन दिस लिंक अबव आपको पता लगेगा कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया है सो आई हैव डन इट फॉर किड्स एजुकेशन मैं सारा पैसा जो भी यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ वो मैं किड्स एजुकेशन में लगा रहा हूँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट वीडियो ऑल्सो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा और आपको जो मैंने फैक्ट्स बताए उससे आप सैटिफाइड हैं सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड family and please comment. Thank you very much. Namaste.